नागपुर जिले के व्याहाड़ परिसर में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अन्य 5 घायल हुए हैं। घायलों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व्याहाड़ में इलाज चल रहा है। घटना दोपहर 3:30 से 4 के बीच है, जब जोरदार बारिश शुरू थी। शरद पी से इनके खेत में यह घटना हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम गिरीश संभाजी पोहरकर, उम्र 32 वर्ष, समुद्रपुर निवासी है, जो व्याहाड़ के निजी कंपनी में काम करता था। गिरीश को 2 वर्ष का बेटा है, जो दिव्यांग होने की जानकारी पुलिस ने दी है। छुट्टी होने की वजह से वह खेत में गया। घायलों में इकबाल शेख उम्र 26, गजेंद्र भलावी उम्र 35, खुशाल बेलखोड़े उम्र 28 वर्ष, विजय नागराव शिरसागर उम्र 40 वर्ष, परवेश खान पठान उम्र 45 वर्ष, यह सभी व्याहाड़ के ही निवासी है। जानकारी मिलते ही हिंगना के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सारिन दुर्गे व उप निरीक्षक विनोद नरवाड़े, हवलदार नितिन खोबे, कमलेश ठाकरे, विशाल तोड़ा से घायलों से पूछताछ की और आगे की जांच जारी है। बिजली गिरने के बाद ग्रामीणों द्वारा घायलों को स्थानीय प्राथमिक आरोग्य केंद्र में उपचार के लिए ले जाया गया है, जिसमें से 3 लोग खुशाल, गजेंद्र, विजय को उपचार के लिए मेडिकल ले जाने की सलाह दी गई, बाकी अन्य ठीक है। वित्त और शिक्षा अध्यक्ष जिला परिषद नागपुर भारतीताई पाटिल ने घायलों से मिलकर पूछताछ की है। डॉक्टर सत्यवान वैद्य, वैद्यकीय अधिकारी प्रहार केंद्र व्याहाड़। आज आमच्याकडे अचानक शेतावरती वीज पडून 5 लोक आलेली आहे, ज्याच्यात एक गंभीर होता खुशाल बेलखोडे म्हणून, त्याला आम्ही मेडिकलला ट्रीटमेंट करून पूर्ण संदर्भ सेवा दिली। बाकी जे 4 लोक मॅनेज केलेले आहेत, त्याच्यातले अजून 2 लोक ते थोडे वाटतायत आम्हाला की त्यांना वरील उपचाराची गरज आहे, त्याच्यासाठी आम्ही त्यांना संदर्भ सेवा इथून देतो। त्याचं नाव माझ्यापर्यंत आलेले नाही, त्याला तो जागेवरच असे लोकांनी सांगितलेलं आहे।